सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रॉबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। जी हां, इस पे कोई ब्रांड नहीं है जी, ये अननोन ब्रांड डिस इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और ये कुछ 15 मिनट के लिए काम करता है और इसके बाद ये बंद हो जाता है। इसलिए कि ये अननोन ब्रांड है, इसलिए हमने जो इसके ऊपर ब्रांड्स लगे हुए थे वो हमने हाइड कर दिए हैं जी, और इस वक्त सिर्फ आपको डीसी इन्वर्टर नज़र आएगा। तो अभी हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे और इलेक्ट्रिक दे के तो इसको चेक करते हैं कि ये 15 मिनट के लिए काम करता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है और इसके ऊपर एक एरर आना शुरू हो जाता है, तो वो एरर भी आपको शो कर देते हैं। देखें, यह भी 16 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन ये कुछ देर के बाद ये बंद हो जाएगा और एरर शो करेगा और तकरीबन फिक्स 15 मिनट लेता है। और दोस्तों, अभी ये यूनिट जो है वो चलने वाला है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त स्टैंडिंग प्रेशर है 250 PSI है और इस वक्त थोड़ी देर में ये स्टार्ट लेगा और आपको दिखाएँगे कि ये स्टार्ट होने के जो फिक्स 15 मिनट के बाद ये बंद हो जाता है जी। और दोस्तों देखें, ये यूनिट इस वक्त स्टार्ट हो चुका है और देखें यहाँ पे इसका जो ब्लोअर मोटर है वो चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें इसका जो भी प्रेशर है वो, देखें बैक प्रेशर जाना शुरू हो गया, ये बैक की तरफ, देखें लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर दिया इसने। और ये देखें जी, इस वक्त ये दे रहा है जी 2.2 एम्पीयर जो है वो इस वक्त डिस्प्ले पे में शो हो रहा है, तो ये ले रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ी देर अब वेट करेंगे क्योंकि तकरीबन 15 मिनट्स ले लेता है। और देखें, इस वक्त गेज जो है वो हमें शो कर रही है तकरीबन 100 तक चला गया है और ये कुछ देर में फिर दोबारा से जो है वो प्रेशर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अभी देखें जी, ये इसका प्रेशर जो है वहाँ पर 100 PSI पे आके जो है वो स्टेबल हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, इस वक्त अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 7.2 एम्पीयर जो है वो डिस्प्ले पे हमें शो हो रहे हैं और इस वक्त इसकी परफॉर्मेंस जो है वो परफेक्ट चल रही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये सब दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला आ रहा है तो आप इसको जो है फिक्स करने में आपको आसानी हो सके। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं यहाँ पर कि जब ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है तो ये देखें, ये वाली लाइट जो है वो स्टेबल होती है और बिल्कुल वो कोई ऐसी उसमें वो नहीं, मसला नहीं होता है, क्योंकि स्टेबल से मतलब कि ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा देखें, यहाँ पे एक और लाइट है वो भी जल रही है, देखें ये दूसरा PCB है और एक और भी, इसमें 3 PCB हैं जी। ये देखें, 2 छोटे PCB, 1 मॉड्यूल PCB, ये जो बड़ा वाला इसको पावर PCB कहते हैं और ये छोटा वाला जो है ये इसका PFC PCB है और ये थर्ड वाला जो है ये इसका IPM PCB है। तो देखें, इसकी लाइट भी फ्लैश कर रही है और ये कंटिन्यूसली फ्लैश करती रहती है, लेकिन जब इसमें एरर आता है तो ये जो इसकी ये वाली लाइट है ये बंद हो जाती है PFC जो PCB पे है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, हम आपको आगे चल के दिखाएँगे कि ये जो लाइट है तो जो पावर PCB की है तो ये जो है फ्लैश करना शुरू कर देती है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इस पर कितने फ्लैश आते हैं। और देखें जी दोस्तों, इस पर जी ये देखें, EA का एरर कोड जो है वो डिस्प्ले में शो होना शुरू हो गया है और इसका इंडोर जो है वो काम कर रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी हल्की सी कूलिंग इस पर आ रही है, लेकिन जो जो ये चलता जाएगा तो फिर ये कूलिंग भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसका आउटडोर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इस वक्त देखें, ये स्टॉप हो चुका है फ़ैन इसका, देखें, और मुकम्मल यहाँ पे एरर भी शो हो रहा होगा। अभी हम इसका कवर उठा लेते हैं, इसको हटाएंगे, देखें यहाँ पे हमें एरर भी दे रहा है ये। तो देखें, यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर्स ब्लिंक्स जो है वो इसके जो PCB है, आउटडोर PCB, उस पर शो हो रहा है। तो चलें, हम आपको बताते हैं कि ये क्या मसला है यहाँ पे और ये एरर क्यों आ रहा है। तो आपको ये PCB खोल लेंगे क्योंकि जो इसका आउटडोर PCB है इसमें फॉल्ट है, तो हम इसको खोल के और वर्किंग टेबल पे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें क्या मसला आया होगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो PFC जो है
ये भी ब्लिंक करता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ब्लिंक करता रहता है। थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, लेकिन ये स्टॉप नहीं होता है, ये ब्लिंक करता है। और ये देखें यहाँ पे तो 13 जो ब्लिंक्स है वो आ ही रहे हैं। अब जी पीसीबी तो हमने खोल लिया है, लेकिन इसके हम आपको बताते हैं कि इसमें फॉल्ट आता क्या क्या है। तो इसमें देखें तीन किस्म की चीज़ें पॉसिबली मौजूद हैं कि जिनकी वजह से ये फॉल्ट आ सकता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये फॉल्ट आता है ईए, तो ये है जी वैसे नॉर्मली करंट ट्रिप एरर है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसका एक वजह होती है, वो भी मैं आगे चल के आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब अगर आपका ये पीसीबी जो पीएफसी पीसीबी है, अगर ये फॉल्टी हो जाएगा तो भी जो है वो ईए एरर आ सकता है। इसके बाद अगर ये इसका आईपीएम या माजूल पीसीबी जो है ये फॉल्टी हो जाए तो फिर भी ये एरर आ सकता है, और अगर ये पावर पीसीबी फॉल्टी हो जाए तो फिर भी ये एरर आ सकता है। मतलब ये कि तीनों की पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसलिए कोई एक फिक्स बात नहीं है यहाँ पर कि ज़रूरी है कि आप जो है वो एक ही पीसीबी ख़राब होगा बार बार, ये ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, और वो हम चलेंगे यूनिट की तरफ, तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसे पहले दिखाया था कि इसका गैस प्रेशर, तो वो मैंने इस वजह से दिखाया था ताकि आप लोग देख सकें कि इसमें गैस मौजूद है और ये इस वक्त काम कर रहा है। और इस वक्त भी देखें ये स्टैंडिंग प्रेशर इस पर देखें 250 PSI शो कर रहा है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गेज इसकी ऊपर तक आई हुई है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर ये अगर गैस ख़त्म हो जाए और यानी कि लीकेज की वजह से, तो ये जो है वो यूनिट आपको ईए एरर दे सकता है। तो इसलिए सिर्फ एक इसमें एरर नहीं है, इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा था। और अब चलते हैं पीसीबी की तरफ, तो और वहाँ पे मैं और चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इन एरर्स को आप क्या 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 नाम दे सकते हैं। तो एक एरर जो है वो है जी इसका जो कि करंट सेंसर एरर, तो करंट ट्रिप एरर दो हो गए। इसके बाद इसको एक और नाम दिया जा सकता है जी कि अगर लीक गैस लीकेज हो गई है तो गैस लीक प्रॉब्लम, तो ये भी आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर इसका पीएफसी जो है वो अगर ख़राब हो जाए तो पीएफसी जो है वो पीसीबी एरर आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, कोई एक फ़िक्स नाम नहीं है, और इसको तमाम को फिर चेक करना पड़ता है बारी बारी कि किस पीसीबी में मसला आया हुआ है। तो जो इसकी रिपेयरिंग की वीडियो है वो अगले पार्ट नहीं होगा, बल्कि अगले किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताना था कि इस तरह से ये मसला आता है, और इनमें ये चीज़ें ख़राब होती हैं क्योंकि इसके फॉल्ट बड़ा है ईए का, तो इसलिए मैंने इसमें पार्ट्स वगैरह में ही डाल रहा, और इसको अलग वीडियोस के हिसाब से मैं इसको डालूंगा।